तो बहुत से वॉलेट हमने देखे हैं, लाइक इजी पैसा, लाइक जैज कैश, सादा पे, नया पे, अभी ओ पे भी आया हुआ है और उसी के साथ फिंजा आया हुआ है, जो कि अकाउंट सबके बैन कर रहा है। जो भी ट्रांजेक्शन उससे करो या उस अकाउंट से बाहर करो या उस अकाउंट में करो, आपके दूसरे अकाउंट जिस अकाउंट आपने ट्रांजेक्शन की होती है वो बंद हो जाते हैं। तो खैर अभी इनसे बच के रहें। तो बहुत पहले जैसे अनबॉक्स एंड रिव्यू किया हमने सादा पे का, नया पे का, तो आज हम लोग एक ऐसे कार्ड का करने वाले जो भी वॉलेट है जेएस बैंक का, जिंदगी का मतलब एक ऐप है यार, वॉलेट एड्रेस है, वॉलेट कह सकते हो यार, लाइक दैट सादा पे और नया पे, वो उसको कार्ड को हम अनबॉक्स करने वाले हैं और रिव्यू करने वाले हैं। और साथ में आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे ही फ्री में मिल सकता है या फिर था, जो भी है आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारी अगर देखी जाए तो हमारी जिंदगी का कार्ड आ रहा है, पैकिंग की बात करें काफी अच्छी है, और वेरिफिकेशन की बात करें तो जब मुझे देने आया था ये बंदा टीरेक्स का, तो उसने पहले मेरा सीएनआईसी लिया, फिर मेरा नंबर लिया, नंबर पे कोड आया, उसने कोड अपने वहां लगाया, फिर जाके मुझे कार्ड डिलीवर हुआ। मतलब कि यार इतनी प्राइवेसी इससे पहले तो मैंने कभी नहीं देखी। नया पे और सादा पे का भी मुझे मिला है रिसेंटली, एक दोस्त का जो है नया पे का कार्ड मंगवाया था, तो उसका नंबर नहीं लग रहा था, एड्रेस हमारा था, हमारी शॉप का था, तो वहां पर डायरेक्टली वो बंदा आया और उसने दे दिया कार्ड। तो इनकी प्राइवेसी की बात करें तो प्राइवेसी तो भाई माननी पड़ेगी। तो ये टीरेक्स, ठीक है, टीरेक्स का है, और जिंदगी कार्ड की बात करें तो काफ़ी कूल है। तो ज़्यादा बातें करने से बेहतर है हम इसको ओपन कर लें। तो इसको ओपन करते हैं, तो ये कार्ड हमारा हो गया ओपन, एंड दिस इज़ ओवर कार्ड, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, इसे साइड पर करते हैं। तो ये हमारा कार्ड कुछ इस तरह का हमें दिख रहा है, तो काफ़ी कूल यार देखने को मिल रहा है। बैक में QR कोड है, फ्रंट पे जिंदगी है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से फाड़ने वाला दिख रहा है कि आप फाड़ सकते हो उसे, लेकिन फाड़ना क्यों यार इसे, ये मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे QR कोड जैसा है, या QR बोल रहा हूँ वो स्क्रैच कोड जैसा है, तो इसको भी देखते हैं कि क्या सीन है। तो ओपन करें तो यहाँ पर हमें हमारा कार्ड देखने को मिल जाता है, और साथ में हमें कार्ड एक्टिवेशन को सिंपल करो, जो भी ट्रांजैक्शंस, जो भी तरीका कार है वो बताया गया है, तो आप इसको फॉलोअप कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम लोगों को पता है कि कार्ड एक्टिव कैसे किया जाता है। तो इसके अंदर बात करें तो हमारा यहाँ पे डेबिट कार्ड है, इसको ज़रा मैं नीचे रखूँगा अभी या फिर साइड पर करूँगा, क्योंकि इसके ऊपर जो कोड है और मेरा नाम वगैरह वो सब कुछ सिंपल दिख रहा है। तो इस कार्ड की बात करें तो यहाँ पर इसको फाड़ने वाला कुछ है, और बैक पे आई थिंक यहाँ पे डबल टेप है, तो इसको आप फाड़ के कहीं लगा भी सकते हो। ज़िंदगी सिंपल करो, आई डोंट नो वाई। और इसको तो है हम लास्ट में देखते हैं कि इसके ऊपर हम क्या स्क्रैच कर सकते हैं या फिर नहीं। तो अब बात करते हैं हम अपने कार्ड की, और कार्ड को छुपा कर रखूँगा, क्योंकि यार एक तो ट्रांसपेरेंट कार्ड है ये, और सब कुछ आस पास आर पार दिख रहा है, CVV कोड जो है वो भी मेरा दिख रहा है यहाँ पर। तो ये कार्ड की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा कार्ड है और ट्रांसपेरेंट है। बाकी ये जो मैंने कार्ड यूज़ किए थे वो भी मैंने अपने पास रखे हुए हैं, लाइक सादा पे, नया पे, ये भी कार्ड भी मैंने रखे हुए हैं, इनकी बात करते हैं। और एक बैंक का कार्ड जो है वो मैंने अपना निकाला हुआ है। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर साथ में इनकी बात भी करते हैं। ट्रांसपेरेंट कार्ड है, दिखने में काफ़ी कूल लग रहा है, नया पे और सादा पे से तो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। लुकिंग लाइक, जो लोग ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो कि जिंदगी ऐप का जो है वो कार्ड देखना चाह रहे हैं कैसा कार्ड दिख रहा है, तो ये कुछ इस तरह का कार्ड है यार आपके सामने है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, मैं साइड वाले कैमरे में भी दिखा रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट कार्ड और काफ़ी अच्छा है। वन लिंक के साथ आपका जो है वो कंसिडर किया जाता है, और यहाँ पे मास्टर कार्ड का जो है यहाँ पे लोगो दिया गया है, जो कि काफ़ी सेटिस्फाई होता है यार, स्पेशली मेरे लिए, तो मैं तो कार्ड लवर हूँ, जितने भी फ्री के कार्ड होते हैं मैं उन्हें जमा करता रहता हूँ, लाइक सादा पे, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड है इसका सादा पे का, और वीज़ा नया पे का, और भी काफ़ी कार्ड्स मेरे पास अवेलेबल हैं यार, काफ़ी जमा किए हुए मैंने। पॉइनियर का भी पड़ा हुआ है, बहुत पहले मंगवाया था वो, आज तक मेरे पास है, कभी यूज़ नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन पड़ा हुआ ज़रूर है। अब बात करते हैं हम अपने सादा पे और नया पे की बात, क्योंकि सादा पे का बिल्कुल ही कार्ड सादा है, नाम भी सादा, ऐप भी सादा और कार्ड भी सादा, तो क्वाइट बेटर यार, काफ़ी बेहतर है। नया पे की बात करें तो नया पे में हमें हमारा जो कार्ड है वो लाइक सादा पे ही कंडीशन क्वालिटी मिलती है, लेकिन इनका ज़रा सा कलर वगैरह कह सकते हैं अपना है, क्योंकि इनका वर्चुअल कार्ड भी देखने को हमें मिल जाता है, जो कि मैं तो पर्सनली यूज़ करता भी हूँ, इनका वर्चुअल कार्ड यूज़ करता हूँ, कभी इनका जो फिज़िकल कार्ड है वो बहुत कम मैंने यूज़ किया, क्योंकि वर्चुअल ऐप में ज़्यादातर एड्स चला रहा होता हूँ, और एड्स में वर्चुअली जो है वो कंसिडर करता हूँ मैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इनकी जिंदगी का भी वर्चुअल कार्ड अवेलेबल है, लेकिन उसमें टॉपअप अपने खुद करना होता है, कितनी रकम है वो वाला सीन उसमें है, मतलब अलग सा सीन है उसमें। कार्ड की बात करें तो यहाँ पे वॉलेट्स, ये तीनों वॉलेट्स मेरे पास पड़े हैं, सादा पे, नया पे एंड जिंदगी, तो ये तीनों वॉलेट मेरे पास पड़े हुए हैं,
और तीनों के कार्ड आपके सामने हैं, जो भी हैं सामने से आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस टाइम जो अच्छा लग रहा है वो ग्रीनिश टाइप का जिंदगी का कार्ड जीता है यहाँ पर। तो ओवरऑल यार ट्रांजेक्शन की बात करें और चार्जेस की बात करें, टोटली सेम ही है सबकी। अगर आप 1200 का ऐड चलाना चाह रहे हो तो आपको 1500 खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि टैक्स वगैरह भी इनके ऑलमोस्ट सेम ही है। 1480 रुपये आई थिंक सो इसके आसपास, मतलब 1500 माइंड में रख लो कि 1500 आपने कार्ड में रखनी है या वॉलेट में रखनी है, फिर जाके आपके 1200 जो है वो आपके एड्स जो भी आप चलाओगे उसमें जाके पड़ेंगे। यार गवर्नमेंट के टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो खैर हबीब मेट्रो का, खैर अभी बात करते हैं अब हम हबीब मेट्रो की। हबीब मेट्रो का कार्ड भी काफ़ी अच्छा है, गोल्ड कार्ड है मेरे पास और ये भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इजीली कर लेता है। तो इनकी सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट है और काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी लगी है इनकी। कार्ड की बात करें, कुछ ना कुछ लिटिल बिट जो है बेहतर है वीज़ा का नया पे और सादा पे। लुकिंग लाइक सब कार्ड एक तरह से सेम ही लगते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत कह सकते हैं क्योंकि मेरे सामने हैं ये कार्ड। और इनकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में विड्थ जो है इसकी ना, मतलब ये वाली जगह ये थोड़ी बेटर है कंपेयर टू नया पे एंड सादा पे। तो ये थे हमारे आज के कार्ड्स। तो अब बात कर लेते हैं कि ये मुझे मिला कैसे और आपको कैसे मिल सकता है। तो मुझे ये कार्ड बिल्कुल फ्री में मिला। कैसे मिला? 19th of November 2023 का मैंने फेसबुक पे इसका एक पोस्ट देखी जिंदगी की टाइप से, जिंदगी के अकाउंट से फेसबुक पे, कि ऑफिशियली अगर 19th को आप लेते हो 19th 11 2023 तो आपको कैशबैक 100% मिलेगी। अगर 1000 रुपीज़ का कार्ड है तो 1000 आपको वापस मिलेगा और मुझे मिला भी मेरे वॉलेट में। तो खैर आप लोग नहीं ले सकते फ्री, क्योंकि वो स्कीम इनकी चली गई है और 1000 रुपीज़ जो है पर ईयर एनुअली फ़ी जो होती है वो कार्ड के चार्ज किए जाएंगे आपसे। अब खैर इनके इवेंट्स वगैरह आते रहते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो आपको पता चल जाता है कि यार कौन सा कार्ड अभी फ्री मिल रहा है और कितने का मिल रहा है, कहाँ से मिलेगा और कैशबैक कितना मिल रहा है, क्या जो भी है सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यार ये थी, अगर वैसे आप कार्ड लोगे तो 1000 रुपीज़ का आपको चार्ज किए जाएंगे और फिर आपको ये कार्ड मिलेगा। तो मुझे, क्योंकि वैसे भी चीज़ों को मैं देखता रहता हूँ कौन सी कब फ्री हो रही है, तो ये मैंने लिया। तो अब खैर माजरत है आप लोगों से जो देख रहे हो, इसलिए वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि यार वो लोग जो कि कार्ड में इंटरेस्टेड हैं, जो मंगवाना चाह रहे हैं, तो ये वो लोग कार्ड ले सकते हैं जिसको भी चाहिए हो। कार्ड की कंडीशंस कुछ ऐसी हैं आपके सामने हैं। ओवरऑल अगर वॉलेट्स की बात करें लाइक नया पे और सादा पे आपके सामने है, ट्रांजैक्शंस इनकी सेम ही है। अगर नया पे और सादा पे आपके पास चल रहा है और अच्छा चल रहा है तो उसी कंटिन्यू करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा मेरी तरह कार्ड्स जमा करने का शौक है, कार्ड लवर हो आप, तो फिर आप इसको ऑर्डर कर सकते हो अपने पास रखने के लिए। मेरे पास टेलीनॉर का कार्ड पड़ा है, इजी पैसा का कार्ड पड़ा है, जैज कैश का पड़ा है, एमसीबी लाइट का पड़ा हुआ है, पॉइनियर का पड़ा हुआ, और भी काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स पड़े हुए हैं। तो खैर मेरी तरह अगर आप जमा करना चाहते हो फिर आप इसको ले सकते हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, होप्स आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर आउट हो गई हों, जो रह गई हैं तो कॉमेंट बॉक्स से पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो खुशी रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपने दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।